दोस्तों आज की वीडियो में आपको प्ले स्टोर की चार ऐसे बेहतरीन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप कर लेते हो तो आपकी देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से देखो अगर आपका फोन काफी तक गर्म करता है, कम समय में आपका फोन काफी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो आपकी वो एप्लीकेशन अटक अटक के चले या आपका कभी कभी जो कि हैंगिंग का प्रॉब्लम शो करता है उस एप्लीकेशन में, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद आपका जो रैम कंज्यूम होता है, आपका फोन का स्टोरेज जो कंज्यूम होता रहता है, खर्च हो रहा है, पता नहीं चलता कि कहाँ पे खर्च हो रहा होता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी मैजिकल ट्रिक बताने वाला हूँ, एक सुपर ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से अगर आप अपने फोन पे गेम खेलते हो और गेम खेलते समय आपको काफी ज्यादा हैंगिंग की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, तो वो तो 100% आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस और बस इसके लिए आप इसी क्लास तक देख लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलो आज वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका और यहाँ पे मैं आपको प्ले स्टोर की चार ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसे करके आप अपने मोबाइल को सुपर फास्ट कर पाएंगे। और आपका मोबाइल कभी कभी जो कि रुक रुक के चलता है या हैंगिंग प्रॉब्लम होती है, या आप जब गेम खेलते हो तो आपको काफी ज्यादा हैंगिंग या लैगिंग प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली बस और बस आपकी वीडियो क्लास तक। और ये चार ट्रिक जो आपको बताने वाला हूँ उसे आपको ध्यान से कर लेना है, 100% आपका फोन आज से हैंग या गर्म या जो भी प्रॉब्लम है ना गाइस आपके फोन पे वो बिल्कुल से नहीं करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या, आपको सबसे पहले सेटिंग के लिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद देखो अब प्ले स्टोर पे क्या होता है गाइस, आपके फोन से जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो वो प्ले स्टोर से अधिकतम आप करते हैं, तो पूरा कंट्रोल हमारे एप्लीकेशन का प्ले स्टोर के पास ही रहता है। तो प्ले स्टोर की मदद से हम अपने हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि जितने ज्यादा एप्लीकेशन होंगे हमारे फोन पे उतने ज्यादा हैंगिंग प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, क्योंकि रैम स्टोरेज ये ऑटोमेटिक फुल होते रहते हैं, कंज्यूम होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना और उसके बाद अपने लोगो पे क्लिक करना है, ठीक है, जो आपका आईडी का लोगो मिलता है उसमें क्लिक कर लेना। और उसके बाद यहाँ से आपको प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक कर लेना। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो आपको यहाँ पे स्कैन वाला बटन मिलता है दोस्तों, आप इसमें स्कैन पे क्लिक कर लेना। जैसे आप स्कैन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से स्कैनिंग करेगा और मेरे भाई यहाँ से जितने भी फोन पे आपके एप्लीकेशन होंगे ना तो उन सभी एप्लीकेशन को स्कैन करेगा। क्यों ऐसा मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे फोन पे काफी एप्लीकेशन होते हैं, हम काफी समय से एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं, तो हो सकता है उन एप्लीकेशन में जो कि वायरस आ जाए या कुछ ऐसी चीजें आ जाए जिसकी वजह से हमारा फोन हैंग कर रहा हो या हमारा फोन रुक रुक के चल रहा हो, तो उसके लिए गाइस यहाँ से हमें स्कैनिंग करना होगा। क्योंकि देखो गाइस गूगल प्ले स्टोर पूरे एप्लीकेशन को हमारे कंट्रोल करता है और यहाँ पे ये बता देगा कि अगर हमारे फोन पे कोई ऐसी चीज होगी जो कि वायरस हो उसमें या कुछ ऐसी चीज है जिससे कि हमारे फोन को नुकसान पहुंच सकता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे वो एप्लीकेशन दिखा देगी और आपको डिलीट करना पड़ेगा। और यदि आप उस एप्लीकेशन को यूज करते हो, मतलब यूज करना ही करना है, तो आप उसे वापस से फिर इंस्टॉल कर लेना। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे शो होता है, देखो मेरे फोन पे भी कुछ है नहीं, तो इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं नो हार्मफुल एप्स फाउंड दिखा रहा है। अगर आपके केसेस में आपके फोन पे ऐसा शो करता है, कोई भी एप्लीकेशन आपके फोन पे होती है वो शो करता है और वो डेंजर पे आता है, रेड होता है आपका पूरा ये, तो आप उसे तुरंत के तुरंत डिलीट कर देना। और अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं तो आप उसे वापस से डिलीट करके इंस्टॉल कर लेना। तो पहली सेटिंग आपको कर लेना क्योंकि ये बहुत जरूरी सेटिंग है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे सेटिंग के ऊपर। दूसरी सेटिंग के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद वापस आपको अपने आईडी वाले लोगो पे क्लिक करना और उसके बाद यहाँ से चले जाना है आपको सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है नेटवर्क प्रेफरेंसेस का, आप देख सकते हैं यहाँ वाला ऑप्शन मिलता है सेकंड में, आपको इसमें क्लिक करना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो कि सेटिंग कर लेनी है, पहले नीचे आप देख सकते हैं ऑटो प्ले वीडियोस का ऑप्शन मिलता है ये वाला, तो आपको ऑटो प्ले वीडियोस का जो ऑप्शन मिलता है दोस्तों आप इसमें क्लिक करना है और इसे आपको डोंट ऑटो प्ले वीडियोस पे क्लिक कर देना है। ओके, इतना करने के बाद डन पे क्लिक कर देना और उसके बाद फिर यहाँ से सेकंड में ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो अपडेट एप्स का। दोस्तों ऑटो अपडेट्स का जो ऑप्शन मिलता है आपको फिर उसमें क्लिक कर लेना। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपको डोंट ऑटो अपडेट्स एप्स पे क्लिक कर देना है। अब देखो गाइस इसका कारण ये होता है, करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके फोन पे काफी ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने फोन पे दिखा दूं तो मेरे फोन पे कितने ज्यादा एप्लीकेशन आप खुद देख सकते हैं, मैं स्वाइप करते जा रहा हूँ एप्लीकेशन खत्म नहीं हो रही है। तो हमारे फोन पे काफी ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं, तो क्या होता है गाइस कि अगर कोई भी एप्लीकेशन में अपडेट आती है तो ऑटोमेटिक हमारे फोन से अपडेट होना शुरू हो जाती है और इससे हमारा सबसे ज्यादा डाटा खर्च होता है और उसके बाद हमारा रैम स्टोरेज ऑटोमेटिक सब कुछ फुल होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो ये ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से आपको डोंट ऑटो अपडेट्स ऐप पे क्लिक करना है, मतलब जिस ऐप को आप अपडेट करना चाहते हैं सिर्फ आप उसे यूज करना, उसे ही अपडेट करना, फालतू में आपका बैकग्राउंड में एप्लीकेशन ना अपडेट हो जिससे कि आपके फोन का रैम फ्री हो पाए। ट्रिक भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लेना। अब गाइस हमारी तीसरी ट्रिक है ना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से आपको वापस अपने आईडी पे क्लिक करना है और उसके बाद वापस से आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको अबाउट पे
पे चले जाना। अबाउट पे आने के बाद फिर यहाँ से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ से आपको अपडेट्स प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इसमें करना है क्लिक। अब जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो गोवेट का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक कर देना। और इसमें क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ से पूरी तरह से बाहर हो जाना है, और बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे होते हैं ना, आपको इस तरह रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद यहाँ से तो आपको कुछ सेकंड वेट करना होता है, बट यहाँ से मैं आपको फटाफट करके दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद आप अपने प्ले स्टोर को वापस ओपन कर लेना। अब गाइस देखो क्या होता है कि आपके फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं, आप न्यू न्यू तरीके के एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन का वर्जन आता अच्छा है, लेकिन आपके फ़ोन पे प्ले स्टोर इंस्टॉल है सिर्फ 3 वर्जन का, मतलब 3 वर्जन का। तो इसमें कहाँ से आपका फ़ोन मैच करेगा वो एप्लीकेशन को, और कहाँ से आपका फ़ोन अच्छी तरीके से चलेगा। तो इसलिए आपको प्ले स्टोर को भी अपडेट रखना जरूरी है, कि प्ले स्टोर ही आपके सभी एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर प्ले स्टोर को लगता है कि आपके फ़ोन पे वो एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है, तो भाई आपके फ़ोन से ऑटोमेटिक एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको प्ले स्टोर को काफ़ी ज़्यादा अपडेट रखना जरूरी है। प्ले स्टोर ही आपके फ़ोन को सुपर फास्ट करता है, आपके फ़ोन को कैसा चलाना है ये प्ले स्टोर ही डिपेंड रखता है पूरा, ठीक है। यहाँ से हमारी तीसरी टिप्स हो गई, अब बढ़ते हैं चौथे टिप्स के ऊपर। तो चौथे टिप्स के लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन पे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, चेक करके डाउनलोड कर लेना। और उस एप्लीकेशन का नाम है फास्ट गेम्स। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको गेम खेलने में या आपके फ़ोन पे हैंगिंग प्रॉब्लम होती है तो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करके आपको ओपन कर लेना, परमिशन कुछ मांगे, परमिशन एग्री पे क्लिक कर देना। और उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन ओपन होगी, और थोड़ा सा यहाँ से स्कैनिंग वगैरह लेगा। एप्लीकेशन काफ़ी 100% वर्केड है, और इसकी मदद से आप अपने फ़ोन पे कभी भी हैंगिंग प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनको काफ़ी ज़्यादा गेम पे हैंगिंग प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। मतलब गेम चालू करते हैं तो उनका गेम थोड़ा अटक अटक के चलने लगता है, डिस्प्ले कभी कभी काम नहीं करता, या किसी हाई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो भी बार बार काम नहीं करता, वो भी अटक अटक के चलता है, मोबाइल गर्म होने लगता है। इन चीज़ों को अगर आप फेस करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन पर होना जरूरी है। तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इस तरह आप देखो कुछ इंटरफेस मिलेगा, क्लोज में क्लिक कर देना। और उसके बाद आपके फ़ोन पर जितने भी गेमिंग वाले एप्लीकेशन होंगे तो उनके राइट साइड में आपको यहाँ पे गेम का लोगो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और जो नॉर्मल एप्लीकेशन होंगे वो एप्लीकेशन के सामने कुछ नहीं देखने के लिए मिलता। लेकिन यहाँ से मैं गेम के ऊपर बता रहा हूँ, तो यहाँ से देखो पबजी मोबाइल लाइट का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस हमें क्या करना होता है, इसको बूस्ट करना होता है, ये सुपर फास्ट चले, रॉकेट की स्पीड पे चले, तो इसके लिए हमें बूस्ट करना होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें क्लिक करना है, और जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो हमें यहाँ से कॉइन्स की अर्निंग करनी होगी, बूस्ट कमाने होंगे। देखो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे पहले में ऑप्शन मिल जाता है वॉच, मतलब एक वीडियो आपको देखना, एक एड्स देखना, और उसकी जगह आपको एक बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है, एक इंजरी मिल जाएगी। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ, और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारे फोन पे 30 सेकंड का एक एड्स आ जाएगा, जो नॉर्मल तौर से आते रहते हैं वही एड्स आएंगे। और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से हमें देखो एक इंजरी मिलना, बट हमें स्टार्टिंग में 2 इंजरी मिल जाएंगे एक ही साथ में। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एड्स देख लेता हूँ, और उसके बाद दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह बूस्ट करना है। गाइस हमने एड्स देखो कंप्लीट कर लिया, एड्स खत्म करने के बाद यहाँ से स्किप कर देंगे, और यहाँ से 1 इंजरी देखो हमें मिल चुकी है, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ से पबजी लाइट को बूस्ट करना चाहते हैं, हम इसमें क्लिक कर देंगे। और इसमें क्लिक करने के बाद अब जैसे आप उसमें क्लिक कर दोगे, यहाँ से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका गेम जो रहेगा मीडियम पे रहेगा, लेकिन आप इसे सुपर फास्ट करना चाहते हैं, आपको हैंगिंग का प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले, तो आप इसे इस तरह मैक्सिमम पे क्लिक कर देना, इसे इंक्रीज कर देना, और उसके बाद स्टार ऑटोमाइज पे क्लिक कर देना। अब स्टार ऑटोमाइज पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इसे, ठीक है, और यहाँ से ऑटोमाइज हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका ये गेम जो अटक अटक के चलता था या रुक रुक के चलता था, वो बिल्कुल से वो प्रॉब्लम आपकी जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, और डायरेक्टली आपका गेम फास्ट वर्क करेगा। तो देखो यहाँ से हमारा ऑटोमाइज हो चुका है, और डायरेक्टली हमारे फ़ोन पे एक गेम ओपन कर देगा। बट अभी मैं आपको गेम ओपन करके इस तरह कैसे दिखा सकता हूँ कि लैग करेगा या हैंग करेगा, ये तो आपको खुद अपने फ़ोन पे एक्सपीरियंस लेना होगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पे कुछ ऐसे 4 ट्रिक बता दिए हैं, जिसमें से कुछ प्ले स्टोर की इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा गेम या किसी एप्लीकेशन को यूज़ करने में हैंगिंग प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है तो आपको इस एप्लीकेशन का मदद लेना है, और आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।